वीर्य बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए, इसके बारे में काफी सारे लोग सवाल करते रहते हैं। हर व्यक्ति को लगता है कि अपनी वीर्य की मात्रा बढ़नी चाहिए, वीर्य में शुक्राणु की मात्रा बढ़नी चाहिए जिससे कि उनको बच्चा पैदा करने में जल्दी और अच्छी सहायता हो जाएगी। तो इसके लिए क्या खाए, उसके बारे में आज का वीडियो है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। पिछले 41 साल से अकोला में महाराष्ट्र प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं कि बोलते हैं कि हमारा वीर्य बहुत ही कम निकलता है या वीर्य बहुत ज़्यादा दूर फेंके नहीं जाता, मतलब उसका उसका जो पिचकारी है वो दूर नहीं जाती, जब वो गिरता है तब तो मज़ा नहीं आती है। तो ये सब सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। वीर्य की मात्रा कैसे बढ़ाए, शुक्राणु की कैसे मात्रा बढ़ाए, उसके बारे में बात करूँगा। यदि आप मैं जो बोल रहा हूँ वो सब अपने रोज के जीवन में लाते हैं तो नंबर एक, अपने खाद्य पदार्थ जो है खान पान, उसमें बदल करना बहुत ही जरूरी है। खान पान में यदि आप नॉन वेज है तो अंडे, मांस, मतलब कोई भी मीट, फिश ये आप खाते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो फिर यदि आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर, खसखस, दूध, दलिया ये खाना बहुत ही जरूरी है, चीज़ भी आप खा सकते हैं। नंबर दो, विटामिन सी की मात्रा पर्याप्त होना जरूरी है। विटामिन सी, और विटामिन सी जो है वो बहुत जरूरी है क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए वीर्य के, और उसमें आम, संतरा, नींबू, अमरूद, गुआवा, ब्रोकली, गोभी ये आप बहुत अच्छा ज़्यादा मात्रा में खा सकते हो तो आपको विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसमें जब नींबू का शरबत आप रोज लेते तो बहुत ही अच्छा है। फिर नंबर तीन, जिंक। जिंक स्पर्म काउंट बढ़ाने में बहुत ही फायदेमंद है, और जिंक जो है उसकी मात्रा ज़्यादा दूध, दलिया, अंडे, बीन्स, पम्पकिन इसमें रहती है। तो जिंक आपने लेने के लिए ये खाद्य पदार्थ खाना जरूरी है। नंबर चार, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड विटामिन जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो भी स्पर्म काउंट बढ़ाता है और स्पर्म की मात्रा बढ़ाता है। वो फॉलिक एसिड रहता है एवोकाडो, एस्परगस, स्पेनेक, ब्रोकली, धनिया, इसमें फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है और वो आपने खाना चाहिए होता है। नंबर पाँच जो है वो ताज़े फल। ताज़े फल सब्जियाँ आप लेते हैं ना, सब मिल जाएंगे उसमें, जो भी चाहिए उसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब आपने सब्जियाँ और ताज़े फल जो है जितना ज़्यादा खा सकते हो उतना खाओ, सलाद खाओ, फ्रेश सलाद खाओ, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। छठवा है व्यायाम, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज रेगुलरली 40 मिनट की एक्सरसाइज आपने करना बहुत जरूरी है, जिसमें इरेक्शन का प्रॉब्लम हो, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो या वीर्य की मात्रा हो उसमें फ़ायदा होता है। नंबर छः, पानी। 3-3.5 लीटर पानी रोज आपने लेना चाहिए। पानी पी के हमारा बदन हम हाइड्रेटेड रखते हैं, हाइड्रेशन बहुत ही जरूरी है जिससे वीर्य की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा तो मैंने पहले अलग अलग वीडियोज में बताया था कि अखरोट जो है वो, खजूर, अश्वगंधा ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी वीर्य की मात्रा बढ़ाने के लिए। या आप खान पान में लाते हैं, अच्छी मात्रा में लेते हैं तो डेफिनेटली आपको जल्दी गिरना, इरेक्शन, स्पर्म काउंट, वीर्य की मात्रा सभी में फायदा हो जाए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अब आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।